रामपुर के झाकड़ी में सबनेज खड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक वीरवार सुबह बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके चलते उपमंडल प्रशासन रामपुर एनडीआरएफ सीआईएसएफ होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कार्य आरंभ कर दिया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि एसडीएम निशांत तोमर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू कार्य की निगरानी में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 32 लोगों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सूचना के मुताबिक बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में 32 लोगों के लापता होने की जानकारी है। उन्होंने कहा राहत कार्य तुरंत आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू कार्यों में सारी टीमें एकजुट होकर कार्य कर रही है। एम्बुलेंस सहित सभी आधारभूत सुविधाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है।